सर सर कैसे हो आप सब? सर इस मेरे पीछे देख रहे हो आप अपाचे आरटीआर 164 भी न्यू मॉडल है जिसमें कि एग्जॉस्ट जो है चेंज कर दिया गया है। तो आज इसके डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं कैसी ये बाइक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस एज ऑलवेज स्टार्ट करते हैं की से। तो यहाँ पे आप की देखो, वेव की आपको मिलती है जैसे पहले मिलती थी, बिल्कुल वैसी ही है। और लास्ट में जो है इसमें आपको इसकी साउंड भी दिखाने वाला हूँ कि कैसी साउंड है कैसी नहीं है, और ऑन रोड प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले जो है अपन की लगाते हैं, की इंसर्ट करने के बाद देखते हैं क्या कुछ नए फीचर्स आए हैं, क्या कुछ है। तो सबसे पहले आप चेक करो आगे जो है ना, आपको इसमें फ्रंट में एलईडी हेडलैम्प मिलता है जो कि पहले भी मिलता था, कुछ नया नहीं। इसके अंदर डीआरएल है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, एंड ऊपर भी एलईडी रिफ्लेक्टर है, नीचे भी हाई बीम लो बीम दोनों है। उसके बाद में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिलते हैं, यहाँ पे जो है प्लास्टिक का मडगार्ड है, टीवीएस रेसिंग का स्टिकर है इसके ऊपर। फ्रंट में जो है आपको काफ़ी बड़ा डिस्क मिल जाता है, यहाँ पे जो है ना सिंगल चेन लेवेस आपको मिल जाता है। जो टायर साइज आप देख सकते हो 90 सेक्शन का जो यहाँ पे टायर रखा गया है, रेड कलर में जो पूरा व्हील है काफ़ी बढ़िया लग रहा है। उसके बाद में गाइस ये जो है ना, एक तो इस मैट ब्लैक कलर में है, इसके अलावा जो है ना एक व्हाइट कलर भी इसका। सो जो व्हाइट कलर है ना उसका रिव्यू मैं जल्दी लेके आऊंगा, बट फिलहाल जो है यही कलर अवेलेबल था तो इसी का रिव्यू जो आपके लिए लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको 160 सीसी का राउंड जो है इंजन मिल जाता है जो कि सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, और ये जो है माइलेज देता है 45 तक की, 40 से 45 तक आराम से देता है। टॉप स्पीड जो है 135 के करीब जो है इसकी आराम से निकल आती है। उसके बाद में जो इंजन है काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, थ्रोटल काफ़ी अच्छा है, जो टॉर्क है वो 14.7 न्यूटन मीटर्स का है, R15 MT15 से भी ज़्यादा है कहीं ना कहीं। उसके बाद जो पावर है वो 17.3 BHP की है, एंड लगभग 1 BHP कम है R15 से। सो यहाँ पे जो ना पिकअप आपको इसमें बेटर देखने मिलेगा कंपेयरिंग टू MT15। उसके बाद नीचे जो इंजन कवर है मैट ब्लैक में काफ़ी सही लग रहा है, लुक्स आप देखो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे जो है आपको लेग गार्ड देखने मिलता है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। ड्यूअल हॉर्न है, एक ये रहा एंड एक जो है उस साइड में, तो दो हॉर्न आपको मिलते हैं जो कि सबसे अच्छी चीज़ लगती है। उसके बाद ये टैंक अपना मिल जाता है 12 लीटर्स का, और माइलेज अच्छी है तो भाई 12 लीटर काफ़ी है साइज़। उसके बाद रियर ब्रेकिंग, फ्रंट फुटरेस्ट, ये जो है यहाँ पे रियर फुटरेस्ट है। सो मेटल में जो है पीछे वाला दे रखा है फुटरेस्ट, आगे जो है रबर फिनिशिंग दी है, और जो इंजन है उसके ऊपर टीवीएस का यहाँ पर लोगो दे दिया है। साइड पैनल पे जो है अपाचे की स्टिकरिंग है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे कार्बन फाइबर डिज़ाइन दे दें तो मतलब लुक्स जो है थोड़े बेटर निकल के आ सकते हैं। उसके बाद में नया एग्जॉस्ट है, तो ये देखो काफ़ी बड़ा जो है ये मफलर कर दिया इसका। आई डोंट नो इन्होंने चेंज क्यों किया है, हो सकता है कि भाई लाइक कुछ लोगों ने फीडबैक दिया हो, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कंपनी अपडेट करती रही है, और आज भी जो है अपडेट के कारण ही जो है इन्होंने चेंज किया है। तो इसकी जो है साउंड मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगा, फिलहाल जो है आप इसका लुक्स देख सकते हो। ऊपर जो है एक और ये प्लेट दे दिया, नीचे जो है आपको डिस्क मिल जाएगा भाई पीछे, और ये जो रियर वाला टायर है ये मिलता है आपको। साइज़ में बता देता हूँ इसका, जो साइज़ आई थिंक 120 के लगभग जो साइज़, जो रियर टायर है ना वो 120 नहीं, वो 130 सेक्शन का है। सो आई डोंट नो कि सेगमेंट में कोई और बाइक ऑफर करती भी है ना तो वो इससे काफ़ी महंगी है, बट 130 सेक्शन काफ़ी है यार, अच्छा साइज़ है। उसके बाद में रियर टायर अगर यहाँ पे आपको मिल जाता है, और पीछे जो है ना आपको यहाँ पे आरटीआर 164V की स्टिकरिंग देखने मिल जाएगी, सिंगल सीटेड ड्यूअल कॉम्बिनेशन में, रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। पीछे जो है सिंगल ग्रैबरेल आपको मिल जाती है, और फिनिश देगी आपको स्प्लिट वाली। उसके बाद में यहाँ पे टेल लाइट है, एलईडी टेल लाइट आपको मिल जाती है, हैलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, नंबर प्लेट के लिए जो है हैलोजन लाइट दी गई है, साइड में रिफ्लेक्टर्स हैं। पीछे जो ओवरऑल लुक है ना बाइक का वो कुछ ऐसा आता है, तो आप देख सकते हो मतलब कुछ ऐसी लग रही है बाइक अपनी। उसके बाद में भाई मैं जैसे ही पीछे की साइड में आऊँगा तो यहाँ पे आप देखो साड़ी गार्ड जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस जैसे ही आप नीचे की तरफ देखो तो यहाँ पे आपको सेंटर स्टैंड भी मिल जाता है, साइड स्टैंड भी मिल जाता है, साइड स्टैंड मिलता है इंजन कट ऑफ फीचर के साथ में। और यहाँ पे स्टैंड देखो कहाँ है, और ये देखो रियर लाइक फ्रंट फुटरेस्ट का है, फ्रंट जो अपना स्टैंड है उससे काफ़ी पीछे आ गया है। सो ओवरऑल जो है ना आपको राइडिंग जो पोजीशन है वो काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। पीछे जो है मोनोशॉक सस्पेंशन है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर का। सो जो कंफर्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया है अपाचे का, पहले भी अच्छा था अभी भी काफ़ी बढ़िया है, और लॉन्ग टर्म तक चलते हैं इसके सस्पेंशन वगैरह। उसके बाद गाइस टैंक जो हम आपको दिखा देता हूँ, ड्यूअल फिनिश में है, ब्लैक एंड जो है रेड के कॉम्बिनेशन में, सिल्वर में जो इसकी पूरी कैप है, और जो माइलेज है 45 की क्लेम करती है कंपनी, बाकी उससे ज़्यादा ही मिल जाती है। यहाँ पर पासिंग लाइट आप देखो, तो ये जो है पासिंग लाइट का बटन है, हाई बीम लो बीम, यहाँ से जो है आप इसकी ट्रिप्स वगैरह देख सकते, सॉरी ट्रिप्स नहीं, यहाँ से जो है ना अपन ब्लूटूथ वगैरह के लिए पेयर वगैरह इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ इंडिकेटर का बटन है, ड्यूअल हॉर्न है, यहाँ इग्निशन का बटन दिया गया है, यहाँ राइडिंग मोड्स का बटन है, तीन राइडिंग मोड्स यहाँ पे मिलते हैं आपको, रेन मोड, अर्बन मोड और स्पोर्ट्स मोड। ठीक है, तो अभी जो है ना आपको साउंड सुनाता हूँ। ये जो है लाइट का भी बटन यहाँ पर दिया गया है, तो आप देखो
इसके लिए अलग से बटन दे दिया गया है, और नीचे जो सेल्फ का बटन है, आपको भी साउंड सुनाता हूँ इसकी। तो जो साउंड है गाइस वो भी काफ़ी बढ़िया है। एंड अभी जो मीटर के बारे में बात, तो यहाँ पे जो है ना मीटर में देखो, सबसे पहले ऊपर आरपीएम मीटर आपको मिल जाते हैं, फ्यूल मीटर है, ये टाइमिंग शो करता है, यहाँ पे एवरेज स्पीड वगैरह दिखा रहा है। एंड एवरेज स्पीड के अलावा भी काफ़ी सारी डिटेल्स है, जैसे मोड पर क्लिक करूँगा तो ये देखो लैप टाइमर मोड, ठीक है, हाईएस्ट स्पीड मोड एंड 0 to 60 एवरेज स्पीड, तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ ऊपर स्पीडोमीटर है, यहाँ जो है आपको 0.0 ST का मतलब है, रुको एक सेकेंड, ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड ये ट्रिप एफ है, और यहाँ पे जो है लैप रिकॉर्डर है, ये सारी डिटेल्स आपको मिलती है। यहाँ पे जो गियर इंडिकेटर है ये ब्लूटूथ के लिए जो है देख सकते हो आप, ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ से जो है ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। साइड स्टैंड का जो है इसमें ऐड कर दिया गया है, तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ढेर सारी डिटेल्स हैं। अब यो ना ये देखो नेक्स्ट सर्विस वगैरह ये सारी चीज़ें भी इसमें दिखा देता है, दो बटन इसमें सेट और मोड के, तो ढेर सारी जो आपको डिटेल्स इसके मीटर में मिल जाएगी। तो अभी जोन भाई बात आती है कि इसका प्राइस कितना है, मतलब नया मॉडल आ तो गया स्मार्ट एक्स कनेक्ट, तो इसकी प्राइस क्या कुछ पड़ेगी ऑन रोड। सो गुड़गांव की जो प्राइस है ना हरियाणा में, उसकी प्राइस मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी जो प्राइस है वो गुड़गांव में अभी जो है लगभग 1.58 लाख के करीब है ऑन रोड। सो आप लोग बताओ कि आप लोगों को कैसी लगी, एंड M215 से बेहतर मैं इसको बोल सकता हूँ, क्यों, उससे ज़्यादा इसमें लाइक पावर तो नहीं मिलेगी बट टॉर्क उससे ज़्यादा है, और वैल्यू फॉर मनी में बोल सकते हो, क्योंकि M215 में ड्यूल चैनल एबीएस तक नहीं मिलता, वो इसमें भी नहीं है, बट फिर भी ये महंगी तो नहीं है, कम से कम 2 लाख की तो नहीं है, और बाकी जो है कंपैरिजन वीडियो जल्दी आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।